काफी जगह पे बरसात चालू हो गई है, इसीलिए आज मैं आपको एक बिल्कुल नए तरीके से क्रिस्पी लौकी के पकोड़े बनाना बताऊंगी, जो शायद आपने पहले कभी नहीं बनाए होंगे। तो नमस्कार, पापा मम्मी किचन में आप सभी का स्वागत है। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है। इसमें सबसे पहले हम आधा कप जितना सूजी डाल देते हैं। जिस सूजी से हम उपमा बनाकर तैयार करते हैं वही सूजी है। आपके पास महीन सूजी है तो वो भी आप ले सकते हैं, पर सूजी को सबसे पहले हम पीस लेते हैं। आपको तो मालूम ही है कि ज़्यादातर हम पकौड़ा में सूजी ऐड नहीं करते हैं, पर इस पकौड़ा के अंदर आप सूजी ज़रूर ऐड करें। सूजी क्यों ऐड करनी है इसका रीज़न मैं आपको बाद में बताती हूँ। अभी इसे खोल के देख लेते हैं। आप देख पा रहे हैं सूजी काफ़ी महीन हो गई है। इस सूजी का एकदम पाउडर नहीं बनता है, पर इसके दाने छोटे हो जाते हैं। अभी हमने एक कप बेसन लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। आधा छोटा चम्मच जितना इसमें हम गरम मसाला डाल देते हैं और क्वार्टर छोटा चम्मच जितनी हींग डाल देते हैं। हींग डालने से क्या है, पकौड़े का टेस्ट भी अच्छा आता है और बेसन पाचन में हल्का रहता है। आधा छोटा चम्मच जितनी लाल मिर्ची डाल सकते हैं। यदि आपको तीखे पकौड़े पसंद है तो मिर्ची ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और क्वार्टर छोटा चम्मच जितना हल्दी डाल देते हैं। आधा छोटा चम्मच जितना इसमें जीरा डाल देते हैं और आधा छोटा चम्मच जितना ही अजवाइन डाल देते हैं और आधा छोटा चम्मच जितना इसमें हम नमक डाल देते हैं। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अभी ढक्कन लगा करके सभी को पीस लेते हैं। इस तरह से हमारे पकौड़ा का प्रीमिक्स बन करके तैयार हो गए हैं। ऐसा प्रीमिक्स बना करके चाहे आप डब्बे में भर कर रख लें और कभी भी कोई भी पकौड़ा बनाना हो उस समय आप इसे यूज कर सकते हैं। इसे बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़े बनके तैयार होते हैं। सभी की खुशबू इसमें बहुत ही अच्छी आ रही है। इसमें जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आज हम लौकी के पकौड़े बनाकर तैयार करेंगे, तो इसके लिए मैंने एक लौकी का पीस लिया है जो लगभग वजन में 500 ग्राम है। अब इस लौकी को सबसे पहले छील लेते हैं। इस तरह से पूरी लौकी को हमने छील करके तैयार कर लिया है। इसके पीछे वाले पार्ट को हम निकाल देते हैं और इसके दो भाग कर लेते हैं। एक को हम साइड में रख देते हैं और इसके हम पतले पतले लच्छे निकाल करके तैयार करेंगे। तो इस तरह से आपके पास में चिप्स वगैरह बनाने का इस तरह का मशीन हो तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो चाकू से भी बना सकते हैं। इसे लंबे लंबे लच्छे निकाल कर तैयार करेंगे। इस तरह से आप दबा दबा करके लच्छे निकाल सकते हैं। देखिए आप आराम से ये पतले पतले लच्छे निकल जाते हैं। हल्के से आप दबाते रहें और इस तरह से करेंगे तो ये लच्छे निकल जाएंगे। आपको ध्यान रखना है लौकी का बीच वाला पार्ट काफ़ी सॉफ्ट होता है, उसके लच्छे नहीं निकालें आप। आप देख पा रहे हैं कि मैं हर 3-4 लच्छे निकालने के बाद में इसको पलट रही हूँ, जिससे हमारे लच्छे हैं अच्छे से निकल के तैयार। और इसी के साथ जो बीच वाला इसका पार्ट सॉफ्ट है वो हमारे को नहीं लेना है। इसका मैं आपको दूसरा रेसिपी इसी वीडियो में बनाना बताऊंगी। अभी हम दूसरी लौकी को ले लेते हैं। एक बार में आप 3-3 कर लें, 3 बार में इसका मिडल वाला पार्ट आ जाता है। इस तरह से हमने देखिए पतले पतले लच्छे बनाकर तैयार कर लिए। इससे पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट बनकर के तैयार होंगे। इस तरह से हमने जो इसका मिडल वाला पार्ट है उसको पानी में डाल के रख दिया, जिससे काला नहीं पड़े। अभी इन लच्छों को हम इस तरह से फैला देंगे जिससे कि मसाले सबके ऊपर अच्छे से लग जाए। वैसे किसी भी पकौड़ा को हम बनाते हैं तो उसके ऊपर हमारे को घोल लगाना पड़ता है, तो लौकी के पकौड़े बनाते समय हमारे को घोल बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लौकी में से ही काफ़ी पानी निकलता है। अभी लौकी के जो पीस हमने फैला के रखे हैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा बेसन का जो हमने पाउडर बना के रखा है वो डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा करके डालें इस तरह से और वापस इनको पलट दें। एक बार सबके ऊपर अच्छे से लग जाना चाहिए। इसमें आप पानी नहीं डालें कभी भी, इसमें से काफ़ी पानी निकल जाता है। और सब पीस को आप इस तरह से पलट रहे, देखिए पीस अपना आप ये सारे गीले होने लगे हैं। बेसन जो हमने डाला था इसके ऊपर वो गीला होने लग गया। हमने इसमें नमक डाला है, इस कारण से इसमें से अपना पानी निकलने लग गया। लौकी का पानी नमक के कारण से छूटने लग जाता है। तो यहाँ पर हमने सूजी ऐड की है। सूजी ऐड करने के कारण से इसके अंदर से जो पानी निकलेगा वो सूजी एब्जॉर्ब कर लेगी, जिससे पकौड़े हमारे अच्छे क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। तो इस तरह से आप पलटते रहें और थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर बेसन डालते रहें और सब जगह बेसन इस तरह से लग जाना चाहिए। एक बार ये बेसन इसके ऊपर लग गया तो फिर निकलता नहीं है, बेसन इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाता है। इस तरह से हमने सबके ऊपर बेसन लगा दिया है। आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे ये गीले भी होने लग गए हैं, सभी बेसन इसके ऊपर चिपक गया है और इसमें से पानी निकला है, जिससे अपना आप बेसन गीला हो रहा है। इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे, ज़्यादा देर के लिए नहीं रखें। पीछे जो ये प्रीमिक्स बच गया है इसको डब्बे में भर करके रख देंगे, जिससे आप कभी भी पकौड़े बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको आपको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, फ्रिज के बाहर भी रखेंगे तो काफ़ी दिनों तक खराब नहीं होता है। जब भी बरसात हो आप फटाफट पकौड़े बना सकते हैं। अभी मैंने वही मिक्सी का जार वापस ले लिया है। जो लौकी को मैंने बचा करके रखा था मिडल वाले पार्ट को, उसको ले लेते हैं। उसको इसमें काट करके डाल देते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट वाला पार्ट है, इसे आप बड़ा बड़ा ही काट करके डाल सकते हैं। इस तरह से ये पकौड़ा के साथ में खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। इसी के साथ इसमें हम आधा कप जितना दही डाल देते हैं। आप चाहो तो इसकी जगह पर आप इमली भी डाल सकते हैं, पर दही की खटाई इसमें काफ़ी अच्छी लगेगी। और जो पकौड़ा का प्रीमिक्स मैंने बना के रखा है उसका 1 टेबल स्पून जितना पार्ट इसमें डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा डालने का जरूरत, 1 टेबल स्पून सफिशियंट रहेगा। इसमें नमक मिर्ची हींग वगैरह सभी आ गए हैं, तो नमक बाद में आप टेस्ट करके देख सकते हैं, इसमें कम हो तो और भी डाल सकते हैं। अभी ढक्कन लगा करके इसे पीस लेते हैं। अभी इसे खोल करके देख लेते हैं।
देखिए बहुत ही अच्छा पेस्ट बनकर के तैयार हो गया। अभी इसे हम साइड में रख देंगे और एक पैन के अंदर हम एक टेबल स्पून जितना तेल डाल देंगे और गैस को चालू कर देंगे। अभी तेल हमारा गर्म हो गया है, आधा छोटा चम्मच जितना इसमें हम जीरा डाल देते हैं और आधा छोटा चम्मच जितनी राई डाल देते हैं और दोनों को अच्छे से पका लेंगे। आँच को इस समय थोड़ा धीरे कर लें। अभी इसमें दो हरी मिर्ची ली है मैंने, इसको महीन महीन काट लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। फ्राई करने से क्या मिर्ची का तीखापन थोड़ा कम हो जाता है, तो इस तरह से आप इसे फ्राई कर लें। अभी इसमें 5-7 कड़ी पत्ते डाल देते हैं। कड़ी पत्ते का फ्लेवर भी इस चटनी में बहुत ही अच्छा लगता है। एक मैंने लाल मिर्ची ली है, ये साबुत लाल मिर्ची, ये भी इसमें डाल देते हैं। ये डालना ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप डालें, नहीं तो नहीं डालें। इसी के साथ एक छोटा चम्मच जितना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। यदि आपके पास में अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं हो तो जिस समय हमने लौकी को पीसा है उसी के साथ में अदरक लहसुन को आप पीस सकते हैं। लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। इसको भी हम अच्छे से पका लेंगे, इसे लहसुन का कच्चापन निकल जाना चाहिए। अब सभी मसाले अच्छे से पक गए हैं। जो मिक्सी के अंदर हमने घोल बना के रखा है ये इसमें डाल देते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। मैंने आधा कप जितना पानी लिया है ये इसमें डाल देते हैं। तो आपको चटनी कितनी गाढ़ी चाहिए उस हिसाब से बना करके आप तैयार कर सकते हैं। अभी इसमें 1/4 छोटा चम्मच जितना हल्दी डाल देते हैं। हल्दी से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। लाल मिर्ची वगैरह आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें हरी मिर्ची डाल दिया हमने, उससे तीखापन अच्छा आ जाएगा। इसी के साथ मैंने 1 छोटा चम्मच जितना गुड़ लिया है ये भी इसमें डाल देते हैं। ये चटनी थोड़ी खट्टी मिट्टी बनके तैयार होती है जो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर जो भी मैंने सामग्री डाली है वो सभी कड़ी में डाली जाती है, तो मैं मेरे घर में इसे कड़ी चटनी बोलती हूँ। आप इसे बेसन की चटनी बोल सकते हैं, कड़ी चटनी बोल सकते हैं। लौकी के जो पकौड़े है उसके साथ में इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। नमक को आप इस समय टेस्ट करके देख लें, मुझे इस समय नमक फीका लग रहा है इसलिए मैं 1/4 छोटा चम्मच जितना इसमें नमक डाल रही हूँ। अभी इसको पकाते हुए लगभग हमारे को 5 से 7 मिनट हो गए हैं। सभी चीज़ें अच्छे से पक के तैयार हो गई है। अभी हम गैस बंद कर देते हैं। इस समय आपको काफ़ी पतला लग रहा होगा पर धीरे धीरे गाढ़ा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद मैं आपको बताऊंगी कितना गाढ़ा हो जाता है। जब तक हमने चटनी बना के रखी, जो बेसन और सूजी हमने इसके ऊपर लगाया था वो अच्छे से इसके ऊपर चिपक गया है क्योंकि लौकी के अंदर से काफ़ी पानी निकला है। ये एकदम से परफेक्ट बन करके तैयार हुआ। आप देख पा रहे हैं एक पतली सी लेयर इसके ऊपर लग गई जो खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। यदि आप घोल बना करके इस तरह के पकौड़े बनाते हैं तो वो इतने अच्छे नहीं बनते। यदि इस समय आपकी लौकी ने ज़्यादा पानी छोड़ दिया हो तो थोड़ा सा बेसन इसके ऊपर और डाल सकते हैं, तो वो परफेक्ट बन जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं। अभी साइड में हमारा तेल भी गर्म हो गया है। तेल अच्छा गर्म हो जाता है उसके बाद में आप पकौड़े इसमें डालें। यहाँ मैं आपको याद दिला देती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। यदि आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें, अच्छी नहीं लग रही है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर आप कमेंट जरूर किया करें। जितने पकोड़े इसमें आते हैं उतने पकोड़े इसमें डाल दें आप, बहुत ज़्यादा नहीं भरें। अभी एक साइड में पक जाता है तो उसको पलट देते हैं। आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे ये कड़क होने लग गए हैं। सूजी के कारण से इसके ऊपर अच्छी क्रिस्पीनेस आती है और बेसन के कारण से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। यदि आपके पास सूजी नहीं हो तो आपके पास चावल का आटा हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी पकौड़े अच्छे क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। कि बारिश के मौसम में सभी को पकौड़े खाना बहुत अच्छा लगता है, तो आप लौकी के पकौड़े खा सकते हैं। इसमें लौकी का वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जो साइड वाला पार्ट था उसका हमने पकौड़ा बना लिया है, उसके मिडल वाला पार्ट था उसका हमने चटनी बना ली है। इस तरह से हमारे पकौड़े देखे अच्छे फ्राई हो गए हैं, अच्छा गोल्डन कलर आ जाता है वहाँ तक हमारे को फ्राई करना है। अभी इसे हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से हमने बेहद क्रिस्पी और स्वादिष्ट पकौड़े बना करके तैयार कर लिए हैं। ये बिल्कुल प्याज के पकौड़ों की तरह ही बाहर से क्रिस्पी और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि लौकी अंदर से पक जाती है तो काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। खास तौर से जो लौकी की कड़ी चटनी मैंने बनाना बताई है उसके साथ में ये पकौड़े तो आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। तो इस बरसात में आप भी अपने घर में इस तरह के लौकी के पकौड़े जरूर बना करके ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।